पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं कराने और उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने को लेकर कहा है कि संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी है, वह संसद का मुखिया होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के द्वारा ना तो शिलान्यास कराया और ना ही अब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन उनके द्वारा नहीं कराकर देश भर के आदिवासियों का अपमान किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अपने एक दिवसीय अल्प प्रवास पर बुरहानपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी केवल अपना नाम कराना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा ऐसा किया गया है। यहां उन्होंने पूछे गए एक सवाल के जवाब में बजरंग दल को गुंडों का दल बताते हुए कहा कि वह स्वयं तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हनुमान के सबसे बड़े भक्त हैं। कमलनाथ ने प्रदेश की सबसे बड़ी हनुमान की विशाल आदमगत प्रतिमा छिंदवाड़ा में लगाई है, जो इसका प्रमाण है। ये मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। और आज एक बात और देख लीजिए, पहली बात तो हेरिटेज हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उस हेरिटेज पार्लियामेंट बिल्डिंग में पूरे तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं, उसी में अगर कोई कमी थी तो उसी को रेनोवेट कर सकते थे। लेकिन हजारों करोड़ लगा के नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है और साथ में भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान है कि पार्लियामेंट का मुखिया राष्ट्रपति होगा, महामहिम राष्ट्रपति होगा, स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और इनके अंतर्गत ही पार्लियामेंट चलती है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, बिना गवर्नर के हस्ताक्षर के सदन चल ही नहीं सकता। लेकिन मोदी जी का अहंकार और स्वयं को महामंडित करने का जो उनका एक तरीका है, उसकी अब चरम सीमा पर वो पहुंच गए। सरदार पटेल स्टेडियम क्रिकेट का अहमदाबाद में उसका रिनोवेशन करा के सरदार पटेल, जिनको उनको लौह पुरुष कहते हैं, उनको बड़ी 3,500 फुट पूरी मूर्ति लगाई, उनका नाम बदलकर डॉक्टर मोदी जी ने अपने खुद के नाम से स्टेडियम करा लिया। कितना इस व्यक्ति के अंदर, इसको कहते हैं मेग्लोमेनिया है, मतलब कि स्वयं को ईश्वर स्वरूप बताने का एक जो उसमें एक जो भावना है। इस पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो कि आदिवासी है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार मोदी जी ने किया है, जो उनको इनवाइट तक नहीं किया, उनके हाथ से ना शिलान्यास कराया ना उद्घाटन करा रहे 28 मई को। ये पूरे भारत में रहने वाले आदिवासियों का अपमान है, पूरे भारत के नागरिक जिनको की भारतीय संविधान में भरोसा है उसका अपमान है। बुरहानपुर से अकील आजाद की रिपोर्ट।